हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल पूजा ब्लॉग। आज हम बना रहे हैं आटे का टेस्टी स्नैक्स। चलिए दिखाती हूँ क्या बना रही हूँ। आइए, ये लिया है गेहूँ का आटा। इसमें डालेंगे अजवाइन क्रश करके हाथों से, नमक स्वाद अनुसार, ऑयल डालेंगे 1 से 2 चम्मच। डाल दिया है, रिफाइंड ऑयल है। अब इसे अच्छे से मिक्स कर लेते हैं, हाथों से अच्छे से मिलाएंगे ऐसे ऐसे करके। जब मुट्ठी बन जाए, देखिए ऐसे हो जाए तो समझिए हो गया है रेडी। देखिए अच्छे से पानी से गूंथते हैं। देखिए आटा गूंथ लिया है, टाइट आटा गूंथना है। चलिए अभी से ढक के कुछ देर रख देते हैं, 4 से 5 मिनट के लिए। हाँ, लोई काट लिए हैं, बेलते हैं रोटी के जैसे। इसे बेल दिया है, इस पर ऑयल लगा लेते हैं। लगा दिया ऑयल, अब इसे ऐसे मिला देंगे, चारों लगा लेंगे। अब इसे आटा भुरभुराएंगे। अब इसे हम दोनों तरफ से ऐसे मोड़ लेते हैं। हो गया, इधर से भी मोड़ लेते हैं और इधर से भी। अब इसे हम चौकोर बेल लेते हैं। टाइट चौकोर बेल दिया है, देखिए चौकोर इसे बेल के। अब इसमें फिर ऑयल लगाएंगे, आटा लगाएंगे। आटा ऑयल लगा दिया है, मैंने फोल्ड कर दिया है। देखिए कैसे किया है, इधर का इस पे, इधर का इस पे हाथों से दाब देंगे, हाथों से अच्छे से सेक दे देंगे ताकि इधर उधर बढ़ा ना रहे। दाब देंगे। चलिए अभी इसे कट करेंगे, किनारे का पहले निकाल लेते हैं। मैंने काट लिया है, ऐसे ही काटना है। देखिए काट के सब निकाल लिया है, ऐसे परतदार ये होगा, खस्ता। देखिए परत दिख रहा है ना। चलिए इसे अब फ्राई करेंगे। ऑयल में डाल दिया है, इसे फ्राई होने देते हैं। एक और कोई बना रहे हैं, इसे चौकोर बेल लेते हैं। कितना परतदार हुआ है ना, जैसे फ्राई करके निकाल लेंगे। ठीक है, बस ऐसे ही कट करना है, ऐसे ही कट करके चलते जाना है। ठीक है, हो चुका है स्नैक्स रेडी। देखिए कितना परतदार हुआ है ना, जैसे निकाल लेते हैं। हमारा स्नैक्स रेडी हो चुका है। कैसा लगा आपको रेसिपी कमेंट में बताइएगा। चलिए, और अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करके जाइएगा। चलिए मिलते हैं अगले रेसिपी में, तब तक के लिए बाय बाय। और हाँ, बहुत ही टेस्टी है स्नैक्स, बना के ट्राई ज़रूर करें। वैसे भी खा सकते हैं चाय के साथ, बहुत ही टेस्टी है। चलिए मिलते हैं अगले रेसिपी में, तब तक के लिए बाय बाय।